नागपुर स्थित सत्र के चौथे दिन सदन में राज्यपाल अभिभाषण पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने विपक्ष की जमकर खिंचाई की। विपक्ष को प्रमाणों के साथ करारा जवाब देने से उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री होने के नाते जबरदस्त भूमिका निभाते हुए अपने परिपक्व होने का परिचय दिया। इस दौरान विपक्ष में सन्नाटा छाया रहा। हमारी सरकार बुलेट ट्रेन वाली नहीं बल्कि रिक्शा वाली गोर गरीब की सरकार है। शीत सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्ष को मजाकिया अंदाज में करारा जवाब दिया। हमारी प्राथमिकता कम बोलना ज्यादा काम करना है। विपक्ष की तरह अगला पार्ट पिछला सपाट वाला काम नहीं करेंगे। राज्य सरकार गरीबों की सरकार है। तीन चक्के वाली सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि गरीबों की सरकार है, उसे बुलेट ट्रेन की आवश्यकता नहीं, उसे ऑटो रिक्शा ही पसंद है जिसका सर्वसामान्य जनता उपयोग करती है। इस दौरान उन्होंने संत गाड़गी बाबा स्मृति दिन का तात्पर्य लेकर विपक्ष को हड़काया, कहा कि धर्म बताने की जगह नहीं जीने की है, यह उनका संदेश है। सुधीर मुनगंटीवार के भाषण का जवाब देते हुए कहा कि सुधीर भाऊ नकाहू अधीर आता आमची सरकार मनुन झाले बेकार। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम दिए हुए शब्दों को पूरा करने के लिए किसी भी स्तर पर जाएंगे। मुख्यमंत्री बनाने के बयान पर ठाकरे ने कहा कि बाला साहब को ऐसा शब्द नहीं दिया था कि बीजेपी के साथ ही सीएम बनाऊंगा और आगे कहा कि जिंदगी भर भाजपा के साथ ही रहूंगा, ऐसा नहीं कहा था। 25 वर्ष हम बोझ लेकर चल रहे थे और अब हमने अपना बोझ उतार दिया है। चाय से केटली गर्म पर कहा कि केटली पोंछने वाले कपड़े भी अब गर्म होने लगे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।